ये बर्थडे नहीं टॉर्चर हो गया मेरे लिए, स्पेशल बर्थडे है ये। ऐसा हम इसीलिए बोले क्योंकि सुबह से ही मेरे बर्थडे के दिन मेरे साथ कुछ न कुछ कांड हो ही रहा था और मेरा मूड खराब हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक दो इंसिडेंट्स को देख करके पूरे दिन को जज नहीं करना चाहिए। रानी ने इस बर्थडे मेरे लिए जो किया है ना, मतलब ये हर साल ही कुछ ना कुछ करती है, पर ये वाला ना अलग ही था। आप लोग वीडियो में देखोगे तो आप लोग भी इमोशनल हो जाओगे, साथ ही साथ प्राउड भी फील करोगे कि रानी कितनी बड़ी हो गई है। एंड मेरे इस बर्थडे में हम अपने लाइफ का पहला स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो जी हम लोग उठ चुके हैं फाइनली 10 बजे। हम लोग ना 7 बजे से सोच रहे थे कि आप उठेंगे, लेकिन कल इतना ज्यादा हम लोग थक गए थे ना कि 10 बजे जाके हम लोग उठे हैं और सब लोग रेडी होना भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। और ये रहा दीदी का बर्थडे ड्रेस जो कि अभी मेरे हाथ में है, ये मेरे मुट्ठी में आ जा रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, बट ये जो ड्रेस है ना, ये इतना सुंदर है ना कि हम क्या ही बताएं। जब दीदी पहनेगी ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल अभी क्या करना, हम भी जा रहे थोड़ा बहुत रेडी हो ले, क्योंकि भाई हम भी तो रेडी होंगे ना। और बाकी नहीं बता सकते, सॉरी, बताना बहुत कुछ है, लेकिन यू नो सारा सरप्राइज में पानी फिर जाएगा। तो भाई दीदी को जा रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद मिलते हैं। बाकी दीदी जैसे रेडी होगी उसके लिए तो आप लोगों को शॉर्ट्स मिल ही जाएगा, तो देख लेना। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, एंड अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने गेट रेडी विथ अस वाली वीडियो देख ली होगी। ये सरक रहा है, सर को मत, सब सरक रहा है यार, क्या करे, थोड़ा साइज का लोचा हो गया है गाइस। एंड बताना कि हम लोगों का ड्रेस कैसा लग रहा है। हम लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, मेरे को तो ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। क्यों दिख रहा है? कोई बात नहीं दोस्तों, स्नोफॉल हुआ कल रात में, यहाँ पर दिखाया आप लोगों को, पहले चलो वो दिखाते फिर आगे का बात करते हैं। हाँ गाइस देखो ये देख रहे हो, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। अरे मौसम देख लो, लग नहीं रहा है कि आपको होने वाला है, बर्फबारी होने वाला है। हाँ यहाँ पूरा फॉग जमा हुआ है, ठंडा लग रहा है। मेरे को तो ना कमरे में हीटर है तो ठंडा नहीं लग रहा था, यहाँ आके मेरी जीप फट गई। कोई बात नहीं, अभी शॉल ले लेना, फिर इसको अच्छे से ब्लेजर को बांध के मतलब बटन लगा के पहन लेना। पहन लेंगे, अभी तो फैशन इन्फ्लुएंसर बने ना गाइस। लेकिन ठंड बढ़ चुकी है कल से ज्यादा। हाँ मम्मी हवा लगा। कोई बात नहीं, चलो हम निकल रहे हैं। दीदी थोड़ा लेट से आएगी, मेरे को जाना जरूरी है। आप लोगों से हम मिलते रहेंगे। दीदी तुम बाकी उनके फोन से हैंडल कर लेना, बाकी ये वाला फोन से हैंडल कर लेना, ठीक है? तो हम जा रहे हैं, गेट लॉक करो। ओके बाय बाय, बाकी जी हाँ सरप्राइज। हमको ढका क्यों आ रहा है बिना खाए पिए, खाली पेट आता है क्या? सरप्राइज अच्छे से प्लान करना। आई विल बी वेटिंग जी, वंस आई रीच देयर आई डोंट वांट एनी डिसअपॉइंटमेंट। ना कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। बैग लिए देख रहे दोस्तों, इतना बड़ा सा। तो चलो चलते हैं नीचे, फिर आप लोगों से हम फ्री होके बात करते हैं, क्योंकि यार दीदी के सामने बोल नहीं पा रहे ना। अब आप लोगों से जाकर हम अच्छे से बात कर रहे हैं खुल के, क्योंकि दीदी थी कुछ बता ही नहीं पा रहे थे और उसको शक पे शक हुए जा रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक पार्क, ठीक है? वो है मनाली नेचर्स पार्क, और वो हिडिम्बा के आई थिंक ऑपोजिट है। और वहाँ पर हम सोचे एक डेट जैसा प्लान करने का, मतलब बेसिकली मेरा ये प्लान है ना कि मेरे को अच्छे से बिछा के फ्लावर के साथ, शैम्पेन के साथ, केक के साथ, यू नो छोटा सा पिकनिक जैसा स्पॉट क्रिएट करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ हम करने वाला है जो कि दीदी का गिफ्ट भी है और कुछ स्पेशल है दीदी के लिए, तो वो अभी हम नहीं बताएंगे। वो आप लोग देखना तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वो चीज़, अगर आप लोग ऐसे आँख से देखोगे तो। बताएंगे तो आप लोग अभी प्रिपेयर हो जाओगे कि आगे क्या होने वाला है, मज़ा भी नहीं आएगा, तो आप लोगों को भी लगेगा ओ माय गॉड ऐसा कुछ हम सोचे हैं। तो जी हाँ थोड़ा सा हम भी दिमाग लगा लिया अपना, भली घुटना में थोड़ा सा है बट फिर भी। बाकी इधर उनको दिखाते हैं, कुछ कुछ सामान आ चुका है देखो, शायद इसमें शैम्पेन ग्लास है, पार्टी पॉपर है, बाकी तो हम घर से कुछ कुछ लेके आए थे। हाँ ये शैम्पेन है, बाकी इसमें पता नहीं कुछ कुछ तो है, केक बेकरी है। आज तो धूप भी चली गई है, 2 बज रहे हैं लेकिन फिर भी एक भी धूप नहीं है, ऐसा लग रहा है कि शाम हो गया है। बट हमारे पास पूरा प्लान है, तो दिन वाला चीज़ जो है वो हम करेंगे और रात वाला जो सीन है ना वो जीजू सरप्राइज प्लान किए हुए दीदी के लिए, और वो नहीं बताएंगे, वो उनके चैनल पे आप जाके देख लेना। यहाँ जीजू भी आ गए कैब लेके, हम और आयुष निकल रहे हैं ना। कैब में हम लोग को ऑटो मिला है। अच्छा ऑटो मिला है, चलो जो भी मिला है मिल तो गया, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। ये देख रही है पूरा यहाँ तक बर्फ हुआ है ये रानी, लग रहा है कि होगा कल नहीं तो आज हो जाएगा। मजा आ जाए, आज ही हो जाए ना, बर्थडे मनाने जा रहे हैं वहीं पहुंच जाते, मजा आ जाएगा। अब ये निकल के जाएगी वहाँ पे तैयारी करने के लिए। और वहाँ पर जो जो करेंगे उसके बाद दीदी को पीछे से जीजू लेके आएंगे, ठीक है? तो थोड़ा लेट करवाइएगा जान के, ठीक है? ठीक है तो अभी जाते हैं ऊपर ही लेट करा देते हैं, ठीक? हाँ थोड़ा आप भी पुलिस वॉशरूम में जाइए। हाँ हम जाते हैं फ्रेश होने, बोलते हैं फ्रेश होने जा रहे हैं, बहुत जोर का प्रेशर आया है। ऑटो आया हुआ है, ऑटो तो आ गया, लेकिन चलते हैं। बाय बाय बाय। अभी हम ऊपर आ गए हैं
और ऊपर आके इसको देखें क्या ही मस्त वाला ड्रेस पहनी है, दिखाए क्या। भाई अभी तुम जैकेट वैकेट पहन लिए, रजत देखे रजत को बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा, बढ़िया है ना, कभी कभी अच्छी दिख जाती है। इतनी मुश्किल से हम लोगों को फ्लावर मिला है ना कि क्या ही बताए, पूरा मनाली घूम लिए और जबकि सामने ही था, है ना, बट फाइनली मिल गया। इस चीज का हमको बहुत टेंशन था। हो गया भैया ठीक है। सो गाइज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं नेचर पार्क में और ये जैकेट हटा के हम ये पहन लिए क्योंकि वो एक तो धोए नहीं है तो मेरे को ना ऐसा बहुत चुनचुनी लग रहा था, तो हम हटा के ये पहन लिए और ये फोटो के टाइम पे पहन लेंगे। इतनी सुंदर लड़की को ऑटो पे बैठा के लाया। इसको लग रहा था पता है गाइज कि हम इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किए हैं। देखो यहाँ नेचर पार्क घुमाने पर सुंदर है यार। रजत एक मिनट बैक कैमरा से व्लॉग बनाओ, बहुत मजा आएगा आप लोग को भी देखने में। अच्छा रुक जाओ दिखा। वेट गाइज अभी देखो व्यू, अभी देखो व्यू है कि नहीं सुंदर है ना। आप कहाँ भाग जा रहे हो स्वामी? इसको यही हम लोग बर्थडे में दिखाने लाए थे कि इतना बड़ा बड़ा पेड़ तो कभी देखी नहीं है ये, और ऐसा पेड़ कभी देखिए बता। ये पता नहीं इसको लग रहा है लेमचूस वाला कोई बच्चा है जिसको ये चटवा रहा है लेमचूस, और बच्चा एकदम रोएगा। इसको लग रहा था नहीं, इसको लग रहा था ना कि हम लोग कैफे ले जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, कोई बुकिंग होगा, कुछ उस टाइप का करेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसे सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे इसको बस लेके आए, यहाँ पे घुमाएंगे, रील बनाएंगे एक आध पीस। हाँ चलेगा। और इसके बाद से हीरा चांदी गिफ्ट कर देना, गिफ्ट गिफ्ट कर देना। कितना गिफ्ट गिफ्ट करती है यार, गजब। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये आइडिया कौन दिया था? क्या आइडिया? हम लोग डिसाइड, मेरी बहन ने दी होगी। हम लोग डिसाइड किया था ऐसा, हम तो कुछ और डिसाइड किया था, हम सोचे पता है नदी के पास ले जाएंगे, बैठाएंगे, पैर हाथ धुलाएंगे, तुम्हारा लेके आ जाएंगे। रानी बोली नहीं, पेड़ पौधा दिखा देते हैं, उसको पेड़ पौधा अच्छा लगेगा। वो बकवास कर रहा है। मेरी बहन कहाँ है? बहन कहाँ है? बहन गई है, लेके आ रही है कुछ खाने के लिए, समोसा पकौड़ा लेके खाएंगे। अरे यार हमको गुस्सा आ रहा है, मत इरिटेट मत करो। सही में वहाँ बैठ के खाएंगे आराम से हम लोग। लेकिन बड़ी सुंदर है, फ्लावर पेटल बिछा हुआ है जी। अब जल्दी से केक रखना है, हम शैंपेन लिए, शैंपेन रखेंगे, आगे बताते क्या करना, पहले जल्दी से कर ले क्योंकि दीदी ऑलरेडी पहुंच गई है। हम उसको इधर ही कहीं आसपास है, ज्यादा चिल्ला के मत बोलो, जंगल आवाज आता है गूंज के। होल्ड करके रखे उसको ठीक ना। सो गाइज आप लोग देख रहे हैं इस लड़की को, एक जैकेट पहनी उसके ऊपर से दूसरा जैकेट, और गिफ्ट नहीं मिला तो प्लेट लेके मांग रही है गिफ्ट दे दो पूरा पार्क में। यार ठंडा लग रहा है यार, नेट बना के लपेट के लोग हमको ले आया है यहाँ पे और हम ही से वेट करवा रहा है। मुंह का एकदम लड्डू फूलल जैसा बना लिए लड्डू गोपाल। मेरे को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं दीदी कैसे सरवाइव करेगी। ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, बस यहाँ का जो भी सेटअप है अच्छे से केक काट लेगी और फिर बोलेंगे दीदी चल यहाँ से, ठंड बहुत ज्यादा हमको लग रहा है यार, दया लग रहा है मेरे को दीदी को। हम कैसा ड्रेस लिए, बट मेरे को लगा था धूप होगी बट धूप ही चली गई, बिजली गिराती है। दो पहनी ना, एक दो नेट है, मेरा तो वो भी नहीं है। तुम अजीब इंसान हो, हम तो इंसान है। अरे वो लोग जल्दी बुला, फोटो ले रहे हैं वहाँ पे। नहीं हम कैसे, हम एक बार कपड़ा उतारेंगे, कपड़ा मैं जैकेट उतारेंगे, सब फोटो लेंगे। हमको बाहर दो कदम पे जैकेट नहीं, मेरा नाक लाल हो गया है। नाक तुम्हारी से लाल है क्योंकि नाक चढ़ी। ओ यार प्लीज। तो सारा सेटअप हो चुका है, पेस्ट्री रखेंगे और कॉल करेंगे कि दीदी जल्दी से आ जाओ, फिर देखो आगे का प्लान क्या है। देखो दोस्तों अब पेस्ट्री भी आ गई है क्योंकि दीदी का जो बर्थडे ड्रेस है वो येलो है ना, हमको केक भी येलो लेना था लेकिन मिला नहीं, बट ये रहा सेटअप। आपको पता है गाइज अभी रानी का फोन आया, रानी बोली कि जीजू अपना एंट्री गेट के पास आ जाइए, हम लोग वहीं पर खड़े और व्हाइट प्लेट चाहिए। तो ये जाने लगे तो हमने चलो हम भी चलते, मतलब तुम कहाँ, तुम यही बैठो, हम ठीक है, इतनी सुंदर दिख रही, कोई आके उठा के ले जाएगा तो खोजना मत, फिर पकड़ के ले जा रहे साथ में। कौआ तक एक नहीं दिख रहा है, कौआ एक नहीं दिख रहा है, तेरा किस्मत अच्छा है। कितना लकी हो कि हम देख लिए। हाँ तो किसी और के देखने से पहले किसी और को नहीं देखे हम, तुम ही को देख लिए बताओ। चलो किसी और को नहीं देखे, नहीं देखे हैं। और देखो आयुष दिख गया, बस क्या, बस आंख से के सेकना क्या, देखो उम्र था एक, सबको मैसेज फेसबुक में तो सब करता, हम भी कर दिए थे, बस हो गया उतना ही, उसी के लेके टोंट मारते रहती है मेरा ये। गाइस आयुष दिख रहा है आ गया वो भी क्या, हमको देखो ना वो ठंडा लग रहा है सारा, सब नेट पहना दिया हमको, इसे गिफ्ट के लिए पैसा मंगवा रहे थे, एक ब्लॉगिंग नहीं मिला देने हमको तो गिफ्ट, हैंडसम लड़का मिल जाएगा गिफ्ट देगा, खाली मंगवा रहे थे इसे, ऐसा तो हम नहीं बोले, हम बोले मांगो मिल जाएगा खरीद देंगे गिफ्ट। इतना चमकी कपड़ा पहना के
कभी रोड पे बिठा रहा है, कभी ऑटो पे बिठा रहा है। ये बर्थडे नहीं, टॉर्चर हो गया मेरे लिए। स्पेशल बर्थडे है ये। सो फाइनली हम लोग सोच रहे हैं चलो कुछ कर ही लेते हैं, इसको दिखा ही देते हैं, जगह पे ले जाते हैं। रानी डिसाइड की थी कि समोसा लाएंगे, भूजा लाएंगे, इरिटेट करेगा, और चटनी वगैरह लाएंगे, डोसा लाएंगे, सब यहाँ आराम से बिछाएंगे, मस्त दबा के खाएंगे, इसका बर्थडे मनाएंगे यहाँ पे जंगल में। अब यहाँ से तुम्हारा करेंगे आँख बंद, बांधेंगे पट्टी। ना मैं मेकअप खराब नहीं, हम आँख ऐसे कर लेगा। नहीं तुम खोल लेगी, रुको जैकेट वगैरह उतारेंगे ना, एंट्री होगा मेरा। नहीं नहीं नहीं, एंट्री ऐसा नहीं, वहाँ जाके ये करना। मैं बात सुनो, जैकेट वगैरह उतारेंगे, एंट्री मारेंगे हम दोनों ऐसे, ठीक है? फिर ऐसे ढक के ऐसे सेक्सी सेक्सी ग्लव्स चढ़ा लेते हैं। तनी सुन, ग्लव्स चढ़ा लेते हैं। अरे बाप रे, हाथ दुख गया यार, अब रुक जाओ थोड़े देर में करते हैं फिर। सो गाइज यहाँ पे ये देखो, इसको क्या करेंगे, मुंह इसका ढकेंगे, ढको नहीं, माथा पे डालो, पर्दा लगा रहे, पर्दा नहीं, उस तरह नहीं ना, लगाओ ना सर पे, ऊपर डालो ना, बाल नहीं बिगड़ेगा। हम इतना क्यूट है, हम टोपी नहीं पहन लेते यार, एक बार डालो तो सही, नहीं दिखेगा। गजब नहीं कर रही है ये, ऐसे में गिर जाओगी ना पहाड़ वाड़े आगे इधर। हाँ ठीक, तो हम कैमरा की छोड़ो, तब कैमरा छोड़ देते हैं। तो अभी इसको लेके जा रहे हैं हम, सब तो दिख ही रहा है तुमको, नहीं दिख रहा। क्या मस्त तरीके से जीजू दीदी को लेके आ रहे हैं यार, उसको ठंड लगेगी, बट जो भी बोलो ये वर्थ है। बस यहाँ साइड में देख लेना तुम, देख रहे हैं आपके कहने से पहले ही, क्योंकि मेरे को मेरा जान ज्यादा, तुमको ज्यादा ही होशियार आदमी है, होशियार चंद है ये। जब हम बोलेंगे तभी आँख खोलना है, ठीक है? उससे पहले नहीं दोस्तों। ठंड तो है यार, पर दीदी को हम ब्लेजर पहना दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अंदर वार्मर भी है, ज्यादा देर का बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खोलो, रेडी, खोलो, रेडी एंड गो। ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जेक्स। पर ये बेचारे खुद ही कोई बात नहीं लगे हुए थे। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा? चलो आके दोनों बैठो बैठो बैठो। ओ पर्पल केक लैवेंडर, यार येलो लेना था बट मिला नहीं, कोई बात नहीं। ओ माय गॉड रानी, यस आज तुम शैंपेन उड़ाएगी, उड़ाना है। हाँ असली दारू वाला ना, फ्रूट है रे, फ्रूट शैंपेन है यार, दारू वाला हम लोग दारू नहीं पीते हैं। चलो बैठो, दोनों बैठे जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, वाह 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 वाह। मेरा तोंद बस ध्यान देना, फोटो वीडियो में ना दिखे, यही तो झलकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिम जाया जाएगा, अपना ही है जो है। चलो बैठो, क्या चलो बैठा जाए, कैसे बैठे ऐसे, ऐसे था। बूट खोल लो। सो गाइस अब आती है केक काटने की बारी, और जब सब कुछ इतना यूनिक यूनिक हो रहा है तो केक आराम से कैसे कट सकता है, ये देखो आपने क्या हुआ, और हमारी फट के चार हो गए। लेकिन चलो यहाँ पर किसी को भी चोट वोट नहीं आई, हमने केक वेक काटा, सबको केक खिलाया, उसके बाद रानी जो फ्रूट शैंपेन लेकर के आई थी ना उसे खोलने की बारी। अब हम में से यहाँ किसी को शैंपेन का बॉटल खोलने आता ही नहीं है, हमने कभी ट्राई ही नहीं किया है, और हमने सोचा था कि ऐसे मस्त शैंपेन का बॉटल खोल के उड़ाएंगे। आयुष आता है, वो रजत को समझाता है और काफी अच्छे अच्छे लेसन्स भी देता है, लेकिन रजत को फिर भी समझ नहीं आता है। ये कुछ देर तो बॉटल को लेकर के अच्छे से निहारते हैं एंड काफी शेक करते हैं, साइड में बैठ के हम उनको बहुत चीयर भी करते हैं, लेकिन गाइज ये बहुत टफ है, पता नहीं रियल शैंपेन नहीं है शायद, इसीलिए इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और रानी का ये वाला प्लान चौपट हो गया। बेचारी थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन इसके आगे का सरप्राइज जरा देखो। तो आप आ रही है सरप्राइज का, अब गिफ्ट का कटोरा ले ले, क्या कटोरा ले लूं? कटोरा का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम सोच रहे थे कि ये जो डेट तुम्हारे लिए प्लान किए थे, थोड़ा उसको और अच्छे से चार चांद लगाया जाए, यू नो, ये लाइफ का आई थिंक पहला तेरा डेट है ना? यस, ऐसा, और मेरा भी है। अब डेट ऐसे तो कंप्लीट नहीं होता, फ्लावर तो देना बनता है ना। तो दीदी खैर साइड हो जाइए। ओह माय गॉड, मेरे बर्थडे गर्ल के लिए ये प्यारा सा फ्लावर है ना, थैंक यू। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। लेकिन दीदी हम सोच रहे थे कि अब तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया है तो अब तो तुम मेरे साथ रहोगी नहीं, ठीक है? नहीं रहोगी, जीजू के साथ रहोगी, है ना? लेकिन हम चाह रहे हैं कि तुम अपना आधा से अधिक लाइफ मेरे साथ मेरे साथ में स्पेंड करो। क्या तुम मेरे को एडॉप्ट करोगी? हम तुमको एडॉप्ट कर चुके हैं, मेरे को यही चाहिए था। क्या तुम मेरे को एडॉप्ट करोगी? थैंक यू। लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए, इनफाइनाइट जन्म के लिए दोस्तों। अरे पहनाने दो, मुझे चाहिए था लेफ्ट वाला,
जीजू का है तो राइट में हम पहना देते हैं। अच्छा राइट ये कोई बात नहीं, बस साइज परफेक्ट हो जाए। ओह माय गॉड, ये रहा, वाओ साइज परफेक्ट हो गया। जला दीजिए, हमको ये चाहिए था। अंगूठी चाहिए ना। तो फाइनली अब गर्मी आ गया, हमको अंगूठी पहन के गाइस डेट कंप्लीट। जैसा तैसा डेट कंप्लीट हुआ। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हां ये चाहिए। और एक गिफ्ट है, और एक गिफ्ट है, वो घर जाके मिलेगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सारा कुछ नहीं दिखाना चाहते थे। अभी तो दिन बाकी है ना दोस्तों। कितना सुंदर कलर है, वाओ है ना। आइए बगल में आइए, आइए आइए आइए। ये और रजत जी का जो बर्थडे गिफ्ट है ना गाइस, वो दिल्ली जाके मिलने वाला नहीं, है। नहीं, 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 क्या नहीं। गिफ्ट है हमको नहीं पता है, कुछ नहीं, तुम कुछ मत नहीं गिफ्ट है, सोचना मत कुछ। नहीं नहीं नहीं, रजत के लिए मेरे साइड से और रानी के साइड से गिफ्ट है, क्योंकि बर्थडे तो आपका भी है। हाँ जो की दिल्ली जाके मिलेगा। मेरे लिए भी गिफ्ट, जिंक्स वाला गिफ्ट भी हम बात के लिए रखे दोस्तों, अभी सब दिखा देंगे तो फायदा क्या। पता है क्या, ये रिंग मेरे को चाहिए था पिछले बर्थडे में, जो की अंकल बना के नहीं दे पाए, एंड रानी मेरे को इस बार दी। जी थैंक यू। हम ये नहीं सोचे थे, मतलब हाँ हमको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो गया था, ये वाला हम नहीं सोचे थे। तो बस अब यहाँ से चला जाए, क्योंकि दीदी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हम नहीं चाहते इसको ठंडा लगे। अभी इसको गर्मी लेना चालू कर दी। देखो अभी कुछ कुछ हो जाएगा पब्लिक प्लेस पे दोस्तों। I love you. Love you. सही, मेरे मम्मी अगर तुमको पैदा नहीं करती तुम कहाँ जाते। तो भाई आपसे दीदी के दो, दीदी का दो एंगेजमेंट हो चुका है गाइस, ठीक है, एक नहीं है, एक लेफ्ट में जीजू का पहनेगी, राइट में हमेशा मेरा पहनेगी, बिकॉज़ यू आर ऑलवेज राइट। सो गाइस फाइनली हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, देखो मेरा रिंग, और इसको एक प्यारा सा रिंग मिला है गिफ्ट, और मेरे साइड से कुछ नहीं था अभी तक। अभी 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 तो पिक्चर स्टार्ट हुआ है दोस्तों, रुकिए ना, अभी शुरू हुआ है, अभी सब नहीं, मेरे को पता है, बहुत सारा सरप्राइज है। कुछ नहीं है, अब हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ ठंड लग रहा है, तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं घर। वही हम सोचे मुझे क्यों ठंडा लग रहा है, और यहाँ पता है शैंपेन जो उड़ा रहे थे उड़ ही नहीं रहा था यार, मेरे से कितना भी झोर रहे हैं उसको नहीं उड़ रहा है। बट कोई नहीं, वो ओरिजिनल वाला नहीं इसलिए नहीं उड़ रहा है, ये हम लोग फ्रूट वाला लेके आए थे। कितना राहत मिल रहा है, फ्रूट वाला शायद ज्यादा नहीं उड़ता है, मेरे को आइडिया नहीं है उतना। देखो बर्थडे गर्ल को मजा आया, बहुत मजा आया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आयुष को भी। अरे इधर इधर आ जाओ, हम पता कैसे थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। सही में लोग बड़ा मेहनत किया गाइस, और मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये जो ट्रिप था यही मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद सोना चांदी मिल रहा था, हीरा मोती तो और अच्छा लगता है गाइस, अभी और आगे मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। अब आगे जाके देखते हैं, आगे कोई टैक्सी मिलता है तो जाते हैं, टैक्सी वैक्सी नहीं मिलता इधर, केवल ऑटो, नहीं तो ऑटो वगैरह मिलेगा तो वही लेके जाएंगे। चढ़ान है पूरा, हाँ तो अब चढ़ान चढ़ जाते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं सीधे रूम चल के, रूम चल के मिलते हैं सीधे, ठीक ना गाइस। ये देखो स्नोफॉल होने लगा, अभी बारिश हो रही थी और हम लोग घर आए थे, बट देखो गाइस पता है अभी हम लोग थक हार के सो ही थे, क्योंकि आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, बट फाइनली स्नोफॉल हो गया, मतलब दीदी तेरे बर्थडे के दिन स्नोफॉल, ओह माय गॉड। यहाँ पर दीदी रेडी हो रही है, रेडी क्या हो रही, जल्दबाजी में रजत का शू पहन लिया, चलो नहीं तो परफेक्ट होना के देखिए, मेरा वाला घुसाने में टाइट लगता है थोड़ा सा, वहां से भी दिख रहा, ओ खिड़की से बाहर कितना सुंदर सीन है, चलो लाइट ऑफ करो। ओ माय गाइस, सो सेक्सी सेक्सी सेक्सी, हम तो बहुत ज्यादा खुश है, बस थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं और नीचे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को, पहले जल्दी से चलो गाइस। देखो हम लोग कोच वोच के रेडी हो गए अपने लाइफ का पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस, मतलब मुंह से धुआं निकल रहा है, पता नहीं दिख रहा है, चले क्या, चलो गाइस गाइस, हमें लगा था कि नीचे भरा हुआ स्नो मिलेगा, बट नीचे आते ही पानी हो गया, ये देखो, बट कोई बात नहीं रानी, आई थिंक कल बहुत स्ट्रॉन्गली होगा। ए रुको हम लोग के लिए, ये देखो ये देखो ये रहा बर्फ, ओ छूने दो मेरे को, छूने दो गाइस, मेरा हाथ देखो गाइस, क्या
पर्वत रजत के अंदर चरखी चल गया गाइस, बहुत ठंडा है यार, अंदर डाल दी थी इसमें हमने नागे, आपको नागे डांस कैसा लगा? हम पहाड़ बना के लाए थे, कितना अच्छा है यहाँ पे। कौन पर्वत? नीलगिरी पर्वत, हिमगिरी पर्वत है। और जो बोलो मेरा बर्थडे साकार हो गया, सफल हो गया। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू मेरा बेबी, मेरा बूबू। बाप रे दीदी, मनाली में ना अंकल जी बोल रहे कि एक साल बाद हुआ है सब जगह। वाह, मेरे बर्थडे के लिए आए थे एंड आज ही बर्थडे है, आज ही सफल हो गया। ये मेरे को भगवान जी, हाँ बेटे बहुत लकी है, ये भगवान जी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया। yes. दिन भर बोल रहे भगवान जी सफल करा दो, जितना पैसा आप खर्च करके आए ना वो वसूल हो गया। इसीलिए तो आए थे हम लोग, यही देखना था। एग्जैक्टली आप स्नोफॉल फिर से हो रहा है दीदी, घुमा दे थोड़ा स्नोफॉल में। अरे बा गाइस जा रही है बेचारी शीशा पे नाम लिखना था, कसम से हाथ नहीं पहुंचेगा, आप देख लेना। आ गई, अभी फोन रखते हैं, आप लोगों से रूम में मिलते हैं, अदरवाइज ये हमारा जो फर्स्ट है ना वो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं नाक बह रहा है, पानी आ रहा, देख रहे हो? चलो एंजॉय करते हैं, चलो। सो गाइस, बर्थडे था कल, व्लॉग की एंडिंग हो रही है आज क्योंकि कल हम लोग थकार के बहुत ज्यादा आके चुपचाप से सो गए थे, क्योंकि जो हालत हुई है ना हमारी, हमें सारी चीजों की आदत नहीं है ना दोस्तों। नेचर्स फॉरेस्ट में तो जो हुआ आपने देखा, कितना ठंड था, ठीक है, और रानी भी दिन भर दौड़ा भागी कर ली, और उसके बाद सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट हुआ जो कि रजत के साइड से था, वो रजत के चैनल पर आएगा तो आप उधर जाके देखना, रजत प्रिया व्लॉग्स पर, वहां पर भी रजत ने मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया दो सरप्राइजेस दिए हैं, एक का मेरे को आइडिया था, एक तो अनबिलीवेबल, मतलब तो बस मेन मोटिव था दीदी, उसमें रानी एंड रजत दोनों का प्लान था और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था, आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा, तो जाओ देखो जा करके। तो बस आई होप दीदी को अच्छा लगा होगा, मेन वही मोटिव था जो कि कंप्लीट हुआ कल, और कल रात को हम लोग 2:30 बजे घर आए। आपको एक चीज बताएं, 2:30 बजे आने के बाद मेरे तो कमर में इतना दर्द है ना, हम बता नहीं सकते कि कितना दर्द है, पता नहीं आई थिंक ठंडा लग गया है, जो भी हो, तो हम तो सो गए थे, बहुत थक भी गए थे। हम व्लॉग में बहुत बार हिंट भी दिए दीदी को कि दीदी अभी एक और गिफ्ट बाकी है, इसी में ज्यादा खुश मत हो, और आई थिंक अगर अभी आप लोग स्टार्टिंग से व्लॉग देख रहे हो ना, मतलब इस वीडियो को देख रहे होगे, तो दीदी के हाथ में वो चीज नोटिस कर ली होगे कि सेकंड गिफ्ट हम दीदी को क्या दिए है, वैसे रात में दे चुके थे ऑलरेडी, जिसका रिएक्शन हम कैप्चर किए। बर्थडे के 27 जनवरी के सुबह में ही रानी मेरे को दे दी थी, और पता है आप लोगों को, मेरे को दीदी लास्ट बर्थडे कड़ा दी थी और उसी टाइम बोली थी कि मेरे को कड़ा चाहिए, तो इसीलिए इस बार दीदी को फाइनली कि अभी कड़ा चाहिए, ऐसे नहीं बोले थे, मतलब मेरे को अच्छा लगता कड़ा चाहिए, नहीं सॉरी सर, कैसे बोल रही है, मतलब कि मेरे को कड़ा अच्छा लगता है, हम भी खरीदेंगे या फिर मेरे बाल बच्चे जो होंगे ना उनके लिए भी बनवाएंगे, तो ये रहा वो कड़ा, आप जूम करके देख लो अच्छे से, तो ये और साथ में एक रिंग, ये दोनों हम दीदी के लिए डिसाइड किए थे, रिंग तो आप लोगों ने देखा पूरा होल स्टोरी, कैसे हम दिए, कैसे प्रपोज किए दीदी को, दो प्रपोजल, ओ माय गॉड, ठीक है, दीदी का दो एंगेजमेंट हो चुका है अब दोनों हाथ में। और साथ ही साथ ये कड़ा, हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरी छोटी बहन जिसको पॉटी भी साफ करना नहीं आता था, सही में वो मेरे को ऐसा कुछ देगी, मतलब कभी कभी लगता है मम्मी नोच दिए पिंपल्स, वाह एक्साइटमेंट में गाइस। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपने आंख के सामने अपने छोटे बच्चे को बढ़ता हुआ देख करके बहुत अच्छा लगता है, ये लड़की जो मेरे पसंद के बिना कभी कपड़ा भी नहीं पहनती थी, अभी आई एम गेटिंग थोड़ा इमोशनल, अरे बाप, हाँ, क्योंकि इसका हर कपड़ा हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, क्या हम पता इसका सीन बताते हैं, ये कपड़ा खरीदने भी नहीं जाती है, आज भी हम जो ला के दे दिया, हम जो ऑर्डर कर लिया, हाँ अच्छा है पहन लेगी, वो जा करके मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव और इतना थॉटफुल गिफ्ट दे रही है, मेन डिजाइन बहुत अच्छा बन गया, वो बात है, बहुत सुंदर डिजाइन है, इसमें आकाश भी हेल्प किया रानी का, सो उसको भी थैंक यू, मम्मी भी साथ में गई, मम्मी भी गई थी, सबको पता था मेरे को नहीं पता था, एंड कड़ा का ना मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया था, क्योंकि रानी क्योंकि हम जब रानी को बोला था ना कि हम बनवाएंगे अपने लिए, थोड़ा पैसा वैसा हो जाए क्योंकि बजट टाइट चल रहा था, तो इसका एक्सप्रेशन था ऐसा, तो वो हम समझ गए थे कि ये देगी मेरे को, लेकिन हाँ रिंग अनएक्सपेक्टेड था दीदी के लिए, कड़ा तो चाहिए था, तो और ऊपर से जिक्स का था कि जिक्स वॉच दे रहे हैं तो उसके साथ जो कड़ा है ना वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो वॉच इतनी सुंदर है ना, उसके साथ ये कड़ा, ओ माय गॉड क्या कॉम्प्लीमेंट देगा ना, थैंक यू। तो बस, और हम चुपचाप से क्या किए थे ना दीदी, जब सोई थी हमको ऐसा देना नहीं था, हमको इसका नेचुरल रिएक्शन देखना था, तो इसके हाथ में हम चुपचाप से डाल दिए, पता है,
और ये सुबह उठ के जो देखी ना तो। और जब सुबह उठ के हम देखे तब ये सोई हुई थी तो मेरा नेचुरल रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाई। हाँ। और बस यही था स्टोरी। आप लोग बताना कि मेरा दोनों गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को भी। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी। हम आपको एक चीज बताते हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि शो ऑफ कर रही है। नहीं यार, शो ऑफ नहीं है। हम लोग जो ये लाइफ जी रहे ना उसमें 100% आपका योगदान है। नहीं 10% हम नहीं, हमारा भी मेहनत है पर योगदान तो आप है। क्योंकि अगर आप हमें पसंद नहीं करोगे तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट। ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए, वही चीज है। ताली दोनों हाथ से बज रही है और वही बात है। इस ये हमारे लिए एक सपना हुआ करता था कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, बट ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे ये, अफोर्ड कर पाएंगे ये, घूमना फिरना अफोर्ड कर पाएंगे, बर्थडे के लिए बाहर जाके सेलिब्रेट करना अफोर्ड कर पाएंगे। और आप लोग भी अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो, आपके साथ भी हर कुछ अच्छा अच्छा हो। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो बर्थडे विशेस दिए हैं मेरे को। अनकंडीशनल प्यार आप हम दोनों से करते हो। सो बोलते ना हम लोग कि यू ऑल आर सीक्रेट सेंटा। यस यू ऑल आर, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हम लोग तो लाइक नहीं, हम लोग क्या कोई भी क्रिएटर नहीं होता क्योंकि आप लोग ही हमें बनाते हो। एंड हम लोग से भी बहुत सारी गलतियां कभी कभी हो जाती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वी आर लाइक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। नो हाँ, तो भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। तो और बाकी दीदी का जो भी बर्थडे ड्रेस था ये सब, तब उसका डिटेल के लिए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में वो देख लेना। साथ ही साथ शॉर्ट्स भी आने वाले हैं, सब डिटेल हमने दिया हुआ है, लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया। दीदी का बर्थडे ड्रेस हम कहाँ से लिए, जिक्स कहाँ से लिए, क्या पहनी थी, सारा डिटेल। बहनी इतना सोची मेरे लिए, बाप रे। पिछले बार का भी अलग ही एक्सपीरियंस था, वो अलग था, ये अलग है। एंड आपको पता है इसके पास बहुत आइडियाज होते हैं, मेरे पास उतने आइडियाज नहीं होते हैं। एंड जो सबसे अच्छा रानी का था ना कि वो मेरे को प्रपोज की, मतलब ऐसे तो रजत भी बैठ के नहीं किए हैं। रजत किए हैं प्रपोजल स्टोरी, जो कि लव प्रपोजल स्टोरी प्रपोज किए हैं, जो कि लव स्टोरी वीडियो में आएगी, 1 मिलियन करवाओ ना जल्दी। लेकिन रानी भी की मतलब क्या यार, क्या। बट मेरे लिए थोड़ा टफ क्यों हो गया था ना, क्योंकि ये नया प्लेस था। अगर हम अपने रांची में रहते तो यू नो मेरे को पता था ये प्लेस है, यहाँ से मेरे को ये चीज लेना है, ये चीज लेना है। मेरे को सनफ्लावर लेना था बहुत सारा, वो नहीं मिला यहाँ पर मनाली में अवेलेबल। जीता जागता मेरा सनफ्लावर है, तो जरबेरा नाम था उस फ्लावर का, तो वो लिए क्योंकि हमको येलो कलर का ही फ्लावर लेना था। और जैसे कि था कि नहीं भाई, सिस्टर भी प्रपोज कर सकती है, नहीं पता वहां जो भी पार्क में होंगे वो सोच रहे होंगे लेस्बो है ये लोग। एक टाइम पे मेरे को रजत भी नहीं प्रपोज कर देते, अभी मेरे को मेरी बहन भी। और बहुत अच्छे से माहौल बना करके एकदम, वो आदमी कैसे घूर रहा है पीछे बैठ के, दीदी टॉन्ट मार रही है ना। हाँ गाइस, नहीं नहीं एंगेजमेंट में वीडियो है, क्या वीडियो है करने वाला। दीदी एंगेजमेंट में बैठ के प्रपोज किए हैं तुमको। हाँ पर मेरी बहन भी की ना। हाँ तो वही चीज हम सोचे थे, थोड़ा यू नो दिखाए भाई, प्यार है तो भाई जरूरी है दिखाना, व्हाई नॉट। और वो लोग दिखा इसलिए पा रहे क्योंकि आपके कारण, आपके कारण कि हमारे पास वो रिसोर्सेज है कि हम लोग दिखा पा रहे हैं। अदरवाइज प्यार तो हमेशा से था, सबके बीच में प्यार होता है, पर रिसोर्सेज के कमी के कारण लोग कभी कभी दिखा नहीं पाते हैं। So, इसीलिए मेहनत करते जाओ। एंड भले ग्रोथ स्लो हो पर ग्रोथ तो होनी चाहिए, वो हमारी हो चाहे आपकी हो। लाइफ में ऐसा नहीं कि गरीब जीना है, जिंदा हुए हो पैदा हुए तो गरीब मर जाओ। नो 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 नो, मेहनत करते रहो। एंड वी होप हमारे साइड से कि आप सब लोग जो चाहो आपको भी मिले वो सारी चीज। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू से ज्यादा क्या ही बोल सकते यार हम लोग आपको। और रही बात, ऐसा नहीं है कि हम लोग को शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये हमारा प्यार है। यू नो पहले जब अगर पहले आप मेरे पास ना 20 रुपए भी होता था या दीदी के पास 20 रुपए होता था ना, तो 10 रुपए रहता था कि नहीं तुम ले लो या इसके पास रहता था तो ये तो घर में हमारे मेहमान भी आते थे ना, वो 10-20 रुपए दे के जाते थे ना, ये मेरे हाथ में डाल देती थी। इसका कभी नहीं कि मेरा वाला पैसा दो। हाँ। आज हमारे पास जितनी भी अर्निंग है वो भी सारा हिसाब किताब हम रखते हैं। इसको एक पैसा का मतलब नहीं है कि क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ जा रहा है कुछ नहीं। सगाई हुआ, सगाई में ये एक पैसा बोलने नहीं है कि नहीं दीदी जितना पैसा है सब स्प्लिट करो, तुम अपना वाला खर्च करना। ना ना ना, और इस बारे में हम लोग ज्यादा सोचते भी नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए है, काफी है। नहीं है क्योंकि भाई अब तो हम बोल दिया ना कि लाइफ टाइम अब हमको भी रखना है, तुमको रखना नहीं, तुम हो, तुम करती नहीं करती तुम हो भाई। तो भाई वही चीज हो गया है। आई होप आपको ये बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा, बताना कमेंट में मेरा आइडिया कैसा लगा। एक चीज पता है क्या आपको, एक और चीज हम बताते हैं, अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मे बी शो ऑफ कर रही है, ऐसा नहीं है। 3 साल पहले की बर्थडे वीडियो देखना, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। उस बर्थडे व्लॉग में हमारे पास पैसे नहीं होते थे, यूट्यूब हमने स्टार्ट किया था, 150 बच जाता था, वही बच जाता था। घर में बैठ करके मम्मी हम लोग के लिए पनीर और पूरी बनाई थी, अपनी फ्रेंड्स को तो माहिया पूर्वा को बुलाई थी, रूम में बेडरूम में 4 बलून लगा करके केक काटे थे, और शायद हमको कुछ गिफ्ट दिए थे, आई डोंट थिंक सो। कपड़ा भी नया नहीं पहने थे, वो जो हम गए थे गोवा पहने थे कॉलेज टूर से, वो पिंक वाला फ्रॉक तुम पहनी थी। हाँ
गिफ्ट ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा भी नहीं था हमको गिफ्ट चाहिए चाहिए और कपड़ा भी नया नहीं था क्योंकि उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग, बट हम लोग उस चीज को एंजॉय करते थे एंड वो टाइम भी बहुत अच्छा था, उसको आज हम लोग बहुत चेरिश करते हैं। और दीदी उसके बाद वाला बर्थडे तुमको याद है, तुम बस ले गई थी, बोली थी जो शॉपिंग करना है करो और उसने मेरे हाथ में 5,000 में हम बोले थे रानी जो शॉपिंग करना है करो, क्योंकि उस टाइम 5,000 हमारे लिए बहुत बड़ा चीज था। तो वैसे ही हो जाता है ना कि इंसान इवॉल्व करता है और उसमें आप लोगों का हाथ बहुत बड़ा है। बता टाइम पे हम बोलते रानी 5,000 रुपए जो शॉपिंग करना करो, आज मेरी बहन देखो कितनी बड़ी हो गई रे। तो बस आप मत करो भैया, नहीं करेंगे, हमको बहुत फोबिया है बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों लड़का वड़का होगा तो बोलना। ठीक है गाइस, बर्थडे व्लॉग कैसा लगा बता रहा, 10 मिनट हमने यही बकवास कर लिया यार, क्या करे फीलिंग्स है, कुछ कुछ बताना पड़ता, नहीं तो लोग मिसजज कर लेते हैं ना। तो बस आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं बर्थडे व्लॉग को, लेकिन अभी बर्थडे सीरीज खत्म नहीं हुई है दोस्तों, हम लोग जब तक दिल्ली जाके दिल्ली से रांची नहीं जाएंगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये पूरा ट्रिप ही बर्थडे सीरीज है, तो ये इसका तो पूरा पार्ट आने वाला है। तो अभी तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग है रानी, बहुत सारा गिफ्ट दिया मेरे को, तो उसके लिए भी वेट करना। ठीक है, तो आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी करना और कमेंट भी करते जाना, बहुत एफर्ट दिए ये। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, बाय।